बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है और झटपट बन के तैयार होने वाली है। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया था, उसको नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया है और उसको बोन से अलग कर लिया था। चिकन को हमने श्रेड कर लिए है, हमने एग बॉईल कर लिए हैं, उनको ऐसे कटर से कट कर लेंगे ताकि हमारे सब पीस एक जैसे कट हों। हम इसको छोटे पीसेस में कट करेंगे। ये ऐसी रेसिपी है कि आप ईद पे इसे बच्चों के लिए बना सकते हैं, कोई दावत वगैरह हो तो उसके लिए बना सकते हैं, वैसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल लाइट से बनते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नहीं होते, तो ये बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। देखिए इस तरीके से हमने सारे एग कट कर लिए हैं। यहाँ पे हम ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड को हमने इसके कोई किनारे वगैरह कट नहीं करने हैं, क्योंकि हम इसको सिंपल और ईजी तरीके से बना रहे हैं और ऐसे हमारी ब्रेड भी ज़ाया जाती है। देखिए सब ब्रेड मैंने रख ली और उसके ऊपर माइनस स्प्रेड कर देंगे। ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, जो है जा रहा था फ्रेंड के साथ, बच्चों ने रखी थी बारबेक्यू पार्टी और ये फर्स्ट टाइम था कि हमारे बच्चे अकेले, मतलब बॉयज़ पार्टी जा रही थी बारबेक्यू के लिए, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि चलो फर्स्ट टाइम ये हमारे बगैर निकल रहे हैं, मतलब माँ बाप के बिना अकेले। थोड़ा बना यही बोलते कि अभी बड़े हो गए हैं, थोड़ा निकलें ताकि आगे जब ये लोग काली यूनिवर्सिटी में जाएं तो इनको कुछ मुश्किल नहीं हो। लेकिन ये हमारे बच्चे ऐसे हैं कि हमारे साथ ही आते जाते हैं कहीं, तो हमारी बहुत कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत निकलें। तो इस बार बच्चों ने प्रोग्राम बनाया था कि हम बारबेक्यू के लिए जाएंगे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सैंडविच बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं जब जाएँगे तो इनको खाना वाना बनाने में टाइम लगेगा, तो भूख लगेगी, तो थोड़ा कुछ हल्का फुल्का ये खा लेंगे साथ में। ये देखें ऐसे सब ब्रेड पे मैंने मायनीज लगा ली है। तो अभी मैं जो चिकन श्रेड किया था वो चिकन सारे पे लगा लूँगी, सब पीसेस पे चिकन हम ऐसे अच्छे से फैला के लगा लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन वगैरह लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने ना ज़्यादा लगाया था ना कम, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे पसंद करते हैं, जिस टाइप का बच्चे पसंद करें आप उसी टाइप का बच्चों के लिए बना सकते हैं ये। और जब हम चिकन लगा लेंगे तो चिकन लगाने के बाद हम इन सब पे जो हमने बॉयल एग कट किए थे उनको स्प्रेड कर देंगे, सब पे अच्छी से इसकी फिलिंग कर लेंगे अंडे की। ये देखिए इस तरीके से। आप ख्याल करें कि अगर किसी बच्चे को अंडे वगैरह से एलर्जी है तो आप उसके लिए अंडा ना डालें, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक फैमिली है, उनका एक बच्चा है, तो उसको अंडे से एलर्जी है। तो मैं फिर अक्सर ख्याल करती हूँ और मैं जब भी सैंडविच बनाती हूँ अंडा डालने लगती हूँ तो मुझे वो उस बच्चे की याद आती है। तो आप भी केयरफुल रहें। और अंडा लगाने के बाद हम सब पे काली मिर्च थोड़ी छिड़क देंगे। ये देखें इस तरीके से हल्की हल्की, ये घर की पिसी हुई है, मोटी मोटी पिसी हुई है मिर्च, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आप भी कोशिश करें कि ब्लैक मिर्च जो है वो घर में पीसा करें, और आप बेशक बाज़ार से लेके देख लें और घर में पीस के दोनों का आप टेस्ट चेक कर लें कितना फ़र्क होता है दोनों के टेस्ट में। और जो हमने अभी ब्रेड के दूसरे पीसेस थे उन पे भी मायनीज लगाया और इनको जो फिलिंग की हुई थी उसके ऊपर रख दिया इस तरीके से, और हाथों से दबा के हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे बाद में जब सारे पीसेस हम रख लेंगे। और ये मैं बच्चों को दे रही थी साथ लेके जाने के लिए, इसलिए मैंने इनको बाद में एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके तो उनको एक डब्बे में बंद कर दिया था। और जो अगर आप बड़ों के लिए बनाएं तो आप इस टाइम पे जब अंडा लगा चुके हैं उसके बाद आप टमाटर और प्याज रखें, प्याज का बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। मैंने बाद में अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाए असर की चाय के साथ, तो मैंने उसमें टमाटर और प्याज की फिलिंग की, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आपको पता है कि बच्चे प्याज टमाटर वगैरह पसंद नहीं करते, तो बड़ों के लिए आप ज़रूर डालें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितने झटपट बन के हमारे तैयार हो गए हैं सैंडविच, तो
मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।